हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसराइल की एडवांस फार्मिंग के बारे में और हम जानेंगे कि इसराइल की टॉप 5 फार्मिंग टेक्नोलॉजी। दोस्तों, अगर एक नज़र इसराइल की भौगोलिक स्थिति पर डालें तो हम जानेंगे कि इसराइल में फार्मिंग करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसराइल की लगभग 70% जमीन रेगिस्तान है और वहाँ पर पानी के प्राकृतिक स्रोत बहुत ही कम है और वहाँ का वातावरण कृषि के पक्ष में नहीं है। दोस्तों, इन सब के बावजूद भी इसराइल ने अपने एग्रीकल्चर को इतना एडवांस और डेवलप किया कि वह आज विश्व में एक मिसाल बन गया है। आज हम इसराइल के टॉप 5 एडवांस फार्मिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जो है इरिगेशन सिस्टम, सिंचाई तंत्र, फार्मिंग मेथड, खेती के तरीके, डेयरी फार्मिंग, पशुपालन, फार्मिंग टूल्स, खेती करने के औजार और फार्मिंग रिसर्च, कृषि अनुसंधान। सो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले नंबर पर हम बात करेंगे इसराइल के इरिगेशन सिस्टम, सिंचाई तंत्र के। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको इस वीडियो में बताया कि इसराइल में पानी की बहुत कमी है, इसलिए इसराइल में खेती के लिए पानी की झीलें और तालाब बनाए गए और ये सब इतनी अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए कि ना तो ये सूखते हैं और ना ही ये गंदे होते हैं। इसराइल में खेती के लिए ड्रिप इरिगेशन की टेक्नोलॉजी काफ़ी यूज होती है। इससे फसल को जितनी मात्रा में पानी चाहिए होता है उतना ही मिलता है, जिससे पानी वेस्ट नहीं होता और मिट्टी में नमी बनी रहती है। इसराइल में पानी कभी वेस्ट नहीं जाता। यहाँ का सिस्टम इस तरह बना हुआ है कि सारे शहर का गंदा पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है और फिर मशीनों की सहायता से उस पानी को साफ कर दिया जाता है और फिर उसे सिंचाई के उपयोग में लाया जाता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, यह एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जहाँ पर पानी को फिल्टर किया जा रहा है। इसके अलावा इसराइल में सिंचाई के लिए बेहद एडवांस किस्म की मशीनों का उपयोग किया जाता है। यह मशीन पूरे खेत में एक कोने से दूसरे कोने तक फैली होती हैं, जिसमें पाइपों द्वारा पानी का छिड़काव किया जाता है। यह सारा काम ऑटोमेटिक रूप से होता है। बड़े से बड़े खेत में कुछ ही घंटों में पानी का छिड़काव हो जाता है। इस टेक्नोलॉजी से फसलों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उन्हें इससे सही मात्रा में पानी मिलता है, साथ ही मिट्टी में नमी बनी रहती है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं इसराइल के फार्मिंग मेथड की। यह इसराइल के लिए बहुत ही आवश्यक प्रणाली है, क्योंकि इसराइल के पास कृषि के लिए अनुकूल जमीन नहीं है। यहाँ पर इसराइल ने बहुत ही शानदार काम किया है। उसने रेगिस्तान, पथरीले पहाड़ों पर आर्टिफिशियल खेत बनाए हैं, जिसे हम ग्रीन हाउस फार्मिंग भी कहते हैं। इन ग्रीन हाउस खेतों में इसराइल के किसान सभी प्रकार की खेती करते हैं और उनसे जो परिणाम निकलते हैं वह बहुत ही शानदार होते हैं। एक छोटी सी जगह में बहुत सी बड़ी मात्रा में फसलों की उपज होती है और वह भी उच्चतम क्वालिटी के साथ। ग्रीन हाउस फार्मिंग का एक बड़ा फायदा यह भी है कि आप एक ही जगह में विभिन्न विभिन्न प्रकार की खेती कर सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पर टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हो और साथ में ही फसलों के लिए अच्छा वातावरण बना सकते हो, जैसे कि मिट्टी के पोषक तत्व, पानी की मात्रा और धूप को नियंत्रित कर सकते हो। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, स्ट्रॉबेरी से लेकर खरबूजे, टमाटर और हरी सब्जियां एक ही जगह पर हो रही हैं। यह तकनीक इसराइल की कृषि के लिए एक क्रांति साबित हुई है। इसके अलावा इसराइल के पास जो खेती के लिए ज़मीन है, वहाँ पर सबसे पहले खेती की रिसर्च की जाती है और समझते हैं कि उस जगह पर उस मिट्टी में कौन सी फसल सही रहेगी। उसके बाद ही वहाँ पर खेती का काम शुरू होता है। खेती के लिए जो भी बेसिक ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि सिंचाई की सुविधा, खाद, कीटनाशक, इन सब की तैयारी पहले ही कर दी जाती है और उसके बाद जो परिणाम आते हैं आप देख सकते हैं। इसराइल की फल सब्जियां पूरे विश्व में फेमस हैं अपनी क्वालिटी के लिए। नंबर 3 पर बात करते हैं डेयरी फार्मिंग, पशुपालन की। इसराइल में पशुपालन बहुत ही एडवांस मेथड और एडवांस टेक्नोलॉजी से किया जाता है। यहाँ की डेयरी फार्मिंग में ऑटोमेटिक मशीनों से काम होता है। इसराइल की डेयरी फार्मिंग पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा एडवांस और मॉडर्न है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, गायों का दूध ऑटोमेटिक मशीनों से निकाला जा रहा है। एक बार में 100 से 200 गायों का दूध आसानी से निकाल लिया जाता है। इसके अलावा इसराइल में जो भी डेयरी फार्मिंग का काम होता है वह भी आधुनिक मशीनों द्वारा ही किया जाता है, जैसा कि पशुओं को चारा खिलाना और उनकी साफ सफाई। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि गायों को प्रॉपर एक लाइन में बांध दिया जाता है और फिर ट्रैक्टर की सहायता से पशुओं को चारा दिया जा रहा है।
पशुओं की साफ सफाई भी ऑटोमेटिक मशीनों द्वारा ही की जाती है। इसराइल की यह टेक्नोलॉजी पूरे विश्व में बहुत ही लोकप्रिय है। इसके अलावा इसराइल की डेयरी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। यहाँ पर अधिकांश काम आधुनिक और ऑटोमेटिक मशीनों द्वारा ही किया जाता है, जिससे इसराइल की फूड फैक्ट्री की प्रोडक्शन की मात्रा में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जिससे इसराइल अपना डेयरी प्रोडक्ट को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करता है। इसराइल को अपने डेयरी प्रोडक्ट इंडस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होता है। चौथे नंबर पर बात करते हैं इसराइल के फार्मिंग टूल की। इसराइल खेती के लिए कौन कौन से टूलों का उपयोग करता है? दोस्तों, इसराइल के पास खेती करने के लिए वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन औजार हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, यह इसराइल की हार्वेस्टिंग मशीन है। यह मशीन इतनी एडवांस और फास्ट है कि बड़े से बड़े खेतों की फसल की कटाई कुछ ही घंटों में कर देती है। फसलों को काटने के साथ साथ उनके बीजों को अलग करके दूसरे मशीनों में लोड भी कर देती है। इसराइल में हर एक फसल की कटाई के लिए हार्वेस्टिंग मशीन है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर गाजर की हार्वेस्टिंग हो रही है। इसराइल की इस हार्वेस्टिंग मशीन से इतने बड़े गाजर के खेत को कुछ ही घंटों में साफ कर दिया जाता है और साथ ही गाजर को ट्रकों में लोड भी कर दिया जाता है। जो काम 10 से 15 दिन का समय लगता है, उस काम को इस मशीन के द्वारा कुछ ही घंटों में कर दिया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा कीटनाशक और फर्टिलाइजर का छिड़काव करने के लिए भी इसराइल में बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग किया जाता है। इन मशीनों का डिज़ाइन इस तरह का है कि कुछ ही मिनटों में बड़े से बड़े खेतों में कीटनाशक का छिड़काव आसानी से हो जाता है। इसराइल के ट्रैक्टर काफ़ी बड़े और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के होते हैं। इनका ढांचा ही इतना बड़ा होता है कि ये बड़े से बड़े खेतों को कुछ ही घंटों में जोत देते हैं। जितने ये आकार में बड़े होते हैं, उतने ही ये फास्ट और मॉडर्न भी होते हैं। पांचवें नंबर पर बात करते हैं इसराइल के फार्मिंग रिसर्च की। दोस्तों, इसराइल अपनी कृषि की रिसर्च के ऊपर काफ़ी इन्वेस्टमेंट करता है और इसराइल की रिसर्च टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है। इसराइल में कृषि की हर एक फसल के लिए रिसर्च डिपार्टमेंट बने हुए हैं, जिनका काम फसल की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाने का होता है। आज इसराइल की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जिस मुकाम पर है, उसमें रिसर्च का बहुत बड़ा हाथ है। और ये कहें कि रिसर्च के बलबूते पर ही इसराइल ने ये मुकाम हासिल किया है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।